महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हम कोई व्रत रखते हैं, कोई पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बहुत सारे संशय हमारे मन में होते हैं। व्रत में क्या करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो आज मैं माता दुर्गा की सबसे प्रिय जो उनका ग्रंथ है, जिसको पढ़कर माता को सभी भक्त प्रसन्न करते हैं, वो है दुर्गा सप्तशती। तो मैं दुर्गा सप्तशती के अनुसार आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी। तो दोस्तों, ये एक वीडियो है, परंतु इसमें बहुत सारे आपके प्रश्न शामिल हैं, जिनको कि जानना हर व्रती के लिए बेहद अनिवार्य है। तो क्या और कैसे करना चाहिए। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि मासिक धर्म के अंदर हम माता दुर्गा की, मान लीजिए हमने कलश रख लिया और मासिक धर्म बीच में आया, तो फिर हम पूजा कैसे करें, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये है। दूसरा, पहली बार हम कोई नया, जैसे कि बार बार ये बातें हर व्रत में बताई जा रही हैं आपको, कि पहली बार यदि आप व्रत हैं, पहली बार ये जो अधिक मास लगा था उसके बाद कोई नया व्रत शुरू नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या पहली बार हम कलश रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, अखंड दीपक जलाने का मन था तो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, व्रत में हर दिन साबुन शैम्पू लगाकर बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, कामकाजी महिला है जो कि सुबह उनको समय नहीं मिल पाता है, तो कैसे और कितनी पूजा करें, व्रत में दिन में शयन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तेल लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, और ज्यादा और पूछा गया है कि क्या क्या खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस विशेष जो व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आपके प्रश्न। लेकिन वही हर बार की तरह आपसे कहना चाहूंगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। वैसे देखिए, बहुत सारे लोग, आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, ये नहीं कहूँगी, क्योंकि वीडियो प्रीमियर में ही रहती है, बहुत सारे लाइक आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों का विश्वास, आपका प्रेम मेरे लिए बहुत प्रगाढ़ है। फिर भी आप लोगों को याद दिलाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत 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 ज़्यादा प्रयास और मेहनत की आवश्यकता होती है। तो आप लोग के लाइक करने से, आप लोग के चैनल के साथ जुड़कर उसे सब्सक्राइब करने से हमारा प्रयास सफल होता है। उम्मीद करती हूँ ये प्रयास इस बार भी आप लोग सफल करेंगे। तो लाइक करना भूलिएगा मत, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सभी माता दुर्गा की अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अपने अनुसार कर रहे होंगे, तो कर लीजिएगा, घर की साफ सफाई अपने अनुसार कर लीजिएगा, क्योंकि माता रानी आने वाली हैं, तो सर्वप्रथम जो है हम घर की सफाई करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, वो सब करने के बाद हम अपने घर में माता रानी का प्रवेश कराते हैं। ऐसे में सबसे पहला जो प्रश्न है कि व्रत के दौरान क्या हम साबुन शैम्पू लगा सकते हैं। तो देखिए, शायद ये प्रश्न जिन्होंने किया वो पिछली वीडियो नहीं देखे, मैंने बताया था, फिर भी बता रही हूँ कि व्रत के अंदर आप साबुन शैम्पू नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि साबुन शैम्पू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्रत में, जिनका शरीर से स्पर्श होना निषिद्ध माना जाता है। तो आवश्यकता हो तो आप लगा लें, क्योंकि मैं मना तो नहीं कर सकती हूँ सबको, किसी को बाहर जाना है, किसी को कुछ आवश्यकता है, लेकिन देखिए, यदि आप पूरी तरह से व्रत रखना चाहते हैं तो आप प्रतिपदा और अष्टमी को, महिला हैं तो बाल धो सकती हैं, लेकिन उसके बीच साबुन शैम्पू नहीं लगाया जा सकता है। जो व्रतधारी होते हैं वो दातून से दांत साफ करते हैं और सादे जल से स्नान करते हैं। यदि आवश्यकता बहुत अधिक हो कि आपको लगाना हो, तो शास्त्रों में बताया गया है कि तिल के उबटन लगा करके स्नान करना चाहिए। फिर भी बहुत ज्यादा किसी को पसीना आता है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप देख लीजिए, कोई हर्बल साबुन वगैरह लगा करके आप स्नान कर सकते हैं, या फिर दही और बेसन का इस्तेमाल भी आपकी त्वचा को साफ कर देगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। तो ये है, मतलब सब मिलाकर कहूं तो व्रत में साबुन शैम्पू का प्रयोग निषिद्ध है। महिलाएं प्रतिपदा और अष्टमी को बाल धो सकती हैं, तो प्रतिपदा यानी कि रविवार को बाल धो लीजिए, और अष्टमी तिथि जो कि रविवार को पड़ रही है, उस दिन आप लोग बाल धो सकते हैं। ये चीज आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज है कि मासिक धर्म, जैसे हमने कलश रख दिया और घर में कोई पूजन करने वाला नहीं है, हम मासिक धर्म में है, तो फिर ऐसे में क्या करें। और देखिए, पहले यदि पहले दिन आपको मासिक धर्म है, तो कलश आप पति से रखवाएं, बच्चे से रखवाएं, जैसे दो चार दिन बाद जब आप सही हो जाएंगे तो आप अपनी पूजा आराधना करिएगा, क्योंकि हर बार का आपका नियम है कि आप कलश रखती हैं, तो इस बार भी आप पति से, बच्चे से, या फिर परिवार में जो लोग हैं उनसे कलश जरूर रखवा लीजिएगा। कलश रखवा लीजिएगा, उसके बाद आपको कितनी पूजा करनी है, तो कोई भी घर में है परिवार का सदस्य, तो माता दुर्गा को स्नान करा दीजिए। स्नान वगैरह की विधि सब जो है, मैंने कलश स्थापना की जो विधि डाली है उसमें है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इस बार तो वीडियो नहीं आ पाई है, लेकिन पिछले बार की वीडियो है उसको चेक कर लीजिएगा। और कलश स्थापना कैसे करना है वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी, कलश स्थापना मार्गदर्शन सर्च करके आप देख सकते हैं।
तो स्नान कराकर और भगवान को माता दुर्गा को भोग जरूर लगवा दीजिएगा, कलश को भी स्नान कराकर भोग लगा दीजिएगा। तो इतनी साधारण सी पूजा करा दीजिएगा। यदि कोई आरती नहीं करने वाला है तो कोई भी परेशान नहीं है। आप जब साफ शुद्ध होइएगा तो अपने अनुसार पूजा करिएगा, लेकिन आपने कलश रखा है तो सुबह शाम दीपक जरूर जलवाइए, भोग लगवाइए, माता को सुबह सवेरे स्नान करा दीजिए। इतना काम आप करा दीजिए, फिर जब आप साफ सुथरी हो जाए तो अपने अनुसार पूजा पाठ कर ले। अब कोई किसी का प्रश्न ये भी होगा कि हमारे घर में बिल्कुल कोई है ही नहीं, तो आपने कलश रखा है तो कलश को इस तरह आप छोड़ नहीं सकते। घर में कोई नहीं है तो बाहर से अपने पड़ोस से किसी को बुलाइए, लेकिन माँ को भोग लगाना अनिवार्य है, क्योंकि कलश रूप में आपने माँ की स्थापना की है, उन्हें विराजमान किया है, बुलाया है, तो उन्हें भूखा आप नहीं छोड़ सकती है। इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कलश रखी है तो किसी को बुलाकर ही सही, माँ को भोग जरूर लगवाइए। अगली चीज है कि कन्या पूजन करना व्रत में अनिवार्य है या नहीं। देखिए, अनिवार्य तो जरूर है। आपने भी सुना होगा कि श्रीधर ने कन्या पूजन किया था, इससे ही उन्हें माँ की प्राप्ति हुई थी। कन्या पूजन इस व्रत में करना सबसे फलदायी है, लेकिन किसी कारण से कन्याएं नहीं मिल पाती हैं तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं, किसी भी शक्तिपीठ में जाइए, वहाँ कन्याएं मिलती हैं तो आप हलवा पूरी केले दे करके उनके पैर छू सकते हैं, तो ये काम भी कर सकते हैं। यदि कन्याएं मिले तो जरूरी नहीं है कि नौ कन्या ही खिलाई, जितनी उपलब्ध है आप उनको खिलाइए, फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होता है। मेरा खुद का पर्सनल भी बहुत बड़ा अनुभव है, कन्या पूजन इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, तो उसे अवश्य करिएगा। किसी कारण से नहीं कर सकते हैं तो अष्टमी नवमी में किसी बड़े मंदिर में, जो आपके आसपास कोई बड़ा मंदिर, दुर्गा मंदिर तो हर जगह होता ही होता है, वहां जाइएगा, वहां जो भी छोटी छोटी कन्याएं मिलती हैं, बल्कि देखेंगे कि आप छोटी छोटी बच्चियां गुब्बारे वगैरह बेचती हुई मिलती हैं, तो आप उनको भी पूरी हलवा दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं, देकर उनका पैर छू सकते हैं। कहा जाता है ना कि कुछ नहीं करने से कुछ करना हमेशा बेहतर होता है, तो आप ये काम कर लीजिएगा, फिर देखिए रिस्पॉन्स कैसा आता है, क्योंकि इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कन्या पूजन। अब कामकाजी महिला हैं, सुबह में पूजा करने का समय नहीं मिलता तो फिर क्या करें। हाँ दोस्तों, इससे पहले कहना चाहूंगी कि आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट थे और बहुत सारे प्रश्न थे, उसके लिए मैं शुक्रवार यानी कि 13 और 14 अक्टूबर को रात को 9 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी अपनी पूजा पाठ की तैयारियों में लगी हूँ और तबीयत भी बहुत सही नहीं है, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिएगा, थोड़ा सा मौसम बदल रहा है तो वैसी तबीयत खराब है, कोई बहुत बड़ी तबीयत वाली बात नहीं है, लेकिन उस कारण जो है गले में खराश है, तो थोड़ा सा ये चीजें मैं कर नहीं पा रही हूँ अच्छी तरह से। तो आप लोग लाइव में जुड़ जाइएगा, जितने भी प्रश्न होंगे मिलकर हम लोग बातें कर लेंगे कि क्या और कैसे करना है। तो आप लोग 13 और 14 तारीख को रात में 9 बजे अपने काम से थोड़ा जल्दी फ्री हो जाइएगा। अब मैं बात कर रही थी कि जो कामकाजी महिला है कैसे करेंगी वो, क्योंकि सुबह में आपने माँ का कलश रखा है तो सुबह में पूरी पूजा तो आपकी बस की बात नहीं है। तो ऐसे में आप साधारणतया क्या करिए कि आप जाकर के कोई एक लोटा जल ले लीजिए, उसमें घास यानी कि कुसा डाल लीजिए, या फिर आप आम के पल्लव डाल करके सांकेतिक रूप से जो गौरी गणेश है उनको स्नान करिए, माँ को स्नान करिए, कलश को स्नान करिए, उसके बाद थोड़ा सा भोग प्रसाद रख दीजिए। भोग प्रसाद रखने के बाद अब आपके पास टाइम है तो आप कोई मंत्र जपे, आरती करें, लेकिन नहीं टाइम है तो आप क्या करें कि बस इतना करके माँ का हाथ जो माँ से हाथ जोड़ ले, उसके बाद आप आरती करना चाहें तो करिए, नहीं तो फिर शाम को आप विधिवत जो भी दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहती हैं, जो भी मंत्र जपना चाहती हैं करिए, माँ को भोग लगाइए और फिर जो है आप आरती करिए। इतना काम आप लोग अवश्य कर लीजिए, ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप कामकाजी हैं तो कोई चिंता न करिए कि सुबह 3 बजे उठना है, इतने बजे उठना है और आपको अपना काम पूरा करना है। देख लीजिए जैसी शारीरिक स्थिति है उसके अनुसार करिए, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है तो इतना करिएगा, कोई दोष नहीं लगेगा। आपने माँ को बुलाया है, व्रत रखा है, आपका व्रत पूर्ण होगा, चिंता मत करिए। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्र पढ़ें, कौन सी आरती पढ़ें, रोज स्नान कराना जरूरी है मूर्ति यदि है तो। तो देखिए, यदि मूर्ति है और आपने एक जगह माँ को स्थापना कर दी है तो मूर्ति को स्नान कराना उठा करके रोज आवश्यक नहीं है। हाँ, आप पत्ते से जैसे मैं सांकेतिक स्नान छिड़क करके बताती हूँ वैसे करा लीजिए। कौन सा मंत्र पढ़ें, तो माता दुर्गा के बहुत सारे मंत्र जो अक्सर मैं बताती रहती हूँ, नवारण मंत्र भी है, उस मंत्र का जप जो है कर सकते हैं। और आरती कौन सी करें, तो माता दुर्गा की कोई भी आरती की जा सकती है, पर ओम जय अंबे गौरी यह आरती सबसे प्रसिद्ध है और सभी देवियों की आरती इससे हो जाती है, तो यह आवश्यक है आप इस आरती को गाइए, क्योंकि 9 देवियों की आरती इसमें समाहित है, तो यह आरती आपको जरूर करना है।
अब व्रत में सो सकते हैं दिन में या नहीं? देखिए शास्त्रों के अनुसार तो व्रत को रखने वाले को तपस्या करना चाहिए, दिन का शयन वर्जित है, परंतु किसी कारण से, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि किसी भी तरह से कोई शारीरिक दिक्कत है, कोई ऐसी दवा हम ले लेते हैं जिसके कारण हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, नींद आने लगती है, ऐसी कोई परिस्थिति है तो बिल्कुल सो सकते हैं। माता रानी से बोलिए कि हे माता, हम तो आपके बच्चे हैं, शरीर जो है कंट्रोल में नहीं है, कभी कभी दवाइयां लेने के बाद ऐसा होता है, तो इस तरह की परिस्थिति है, छोटा बच्चा है, आपकी दिनचर्या सेट नहीं है, तो फिर आपको नींद आएगी, क्योंकि आप हर दिन सोती हैं तो नींद आएगी, तो थोड़ी सी झपकी ले लीजिए, बहुत शाम 6 बजे 5 बजे तक न सोइए, बस इस चीज को ध्यान रखिए, संयमित दिनचर्या चाहिए व्रत में, तो वो काम आपको कर सकते हैं, लेकिन आप स्वस्थ हैं, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, तो फिर सोना आवश्यक नहीं है, व्रत का नियम नहीं है सोने का, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। पहली बार क्योंकि नया नया आप जो है व्रत रख रहे हैं, तो ऐसे में पहली बार अखंड दीपक कलश रखें या नहीं? लेकिन दोस्तों एक चीज आपसे कहना चाहूंगी, इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, और जो नंबर देख रहे हैं केवल और केवल वही मेरा नंबर है जिसपे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे फेक नंबर मिल रहे हैं जो कि मेरा नंबर नहीं है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ केवल और केवल वही मेरा नंबर है। पहली बार व्रत रखें, अखंड दीपक करें जलाएं या नहीं? पहली बार व्रत जो भी चाहे आप प्रतिपदा और अष्टमी चढ़ती उतरती जिसको बोला जाता है वो रख रहे हो, या फिर 9 दिनों का नया नियम चालू कर रहे हो, पहली बार कोई व्रत आपको नहीं रखना। हाँ कलश रखना है तो रख सकते हैं, अखंड दीपक नया नया पहली बार लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, बस व्रत के लिए मनाही है कि आप इस व्रत को या किसी भी व्रत को जब तक ये होलिका जल नहीं जाती है तब तक आप किसी नए व्रत को प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, जो आपने पूर्व से किया हुआ है उसी व्रत को कर सकते हैं। जैसे नया नया 9 दिनों का व्रत आप चालू करना चाहते हैं, आप जो है चढ़ती और उतरती का रख रहे हैं, तो फिर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और था कि हम जो है पहले 9 दिनों का व्रत करते थे और अब जो है चढ़ती उतरती करना चाहते हैं, तो हमारी शारीरिक स्थिति सही नहीं है, तो जी बिल्कुल कर सकती हैं, आप करिए, कुछ करिए, क्योंकि शरीर जो है सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो कोई भी नहीं कर पाता है, तो कर लीजिएगा। व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए व्रत में ना सबसे पहली और बड़ी जो भूल आप लोग कर लेते हैं, व्रत में हल्दी नहीं खाना चाहिए, हींग नहीं खाना चाहिए, ये आपको जानना जरूरी है। हल्दी, हींग, मूली ये सब नहीं खाई जाती है व्रत में। अब व्रत वालों को कहीं कहीं पे साबूदाना भी मना होता है, लेकिन हमारे यहाँ साबूदाने को फलाहार के रूप में ग्रहण किया जाता है। दूसरी चीज है मूंगफली खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही भी कुछ लोग कहते हैं खट्टी होती है, लेकिन दही जो है वो देव भोग माना जाता है, तो इसे आप ग्रहण कर सकते हैं। अब दूध भी पी सकते हैं, छाछ भी पी सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, इस तरह के जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो सब खा सकते हैं, और जो सामक चावल होते हैं वो खा सकते हैं, कट्टू का आटा खा सकते हैं। हमारे यहाँ एक चावल मिलता है जिसको कि अभी तो नाम याद नहीं आ रहा है, जिसको कि बोलते हैं, हाँ तिन्नी चावल बोलते हैं, जो कि बीज से नहीं उत्पन्न होता है, तालाबों में उत्पन्न होता है, उस चावल को भी आप खा सकते हैं यदि शारीरिक स्थिति सही नहीं है। तो आप शाम को दिन भर पूजा पाठ करिए, शाम को उस चावल को बना लीजिए और उस चावल को आप खा लीजिए। एक चीज और आती है कि हम व्रत में नमक खाएं या नहीं, तो भैया मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले अपनी शारीरिक स्थिति देख लीजिए, ऐसा ना हो कि बीपी वगैरह लो हो गया, आप परेशान हो गए, इसलिए कोई भी दिक्कत है तो आप सीधा नमक लीजिए। माँ आपका प्रेम देखती है, क्या खाते हैं कैसे व्रत रखते हैं वो नहीं, आप व्रत रखिए लेकिन शरीर को देख करके जो खाने पीने की चीजें हैं उसको खाइए। बहुत सारे लोग मुझसे भी मिलते हैं जब कुंडली दिखाने, मैं बिना नमक के रखती हूँ, मेरी उसके बाद तबीयत खराब हो गई तो मैं एडमिट हो गई। मैं ये कहती हूँ ऐसे व्रत रखने का, उनसे भी कहती हूँ, आपसे भी कह रही हूँ, आपसे भी बता दे रही हूँ कि ऐसे व्रत रखने का कोई मतलब नहीं है कि व्रत के बाद आप बीमार हो जाए या फिर व्रत में आपके काम छूट जाए। कोई भी काम व्रत में नहीं छोड़ सकते हम लोग, तो सारे काम अपने करने के लिए आपको एक्टिव रहना जरूरी है, इसलिए खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिए। जो गलतियां आप लोग करते हैं, हाँ जीरा खा सकते हैं, और जो लाल मिर्च होती है, जैसे हरी मिर्च में भी कुछ लाल हो जाती है मिर्चें, ऐसी मिर्च आप लोग ना खाएं, लाल मिर्च ना खाएं, हींग ना खाएं, और हाँ काली मिर्च का प्रयोग आप कर सकती हैं, हरी मिर्च का प्रयोग कर सकती हैं, ये सब चीजें खा सकती हैं। हल्दी कदापि मत खाइएगा, सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। जो लोग जो है घी वगैरह नहीं खा पाते हैं, तो जैसे व्यवस्था नहीं है घी की, तो फिर आप लोग ऐसे में क्या खाएंगे, कैसे आलू वगैरह फ्राई करके, तो ऐसे में आप लोग जो मूंगफली का तेल आता है उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग पूछे थे रिफाइंड ऑयल भी खाना चाहिए या नहीं, तो देखिए बहुत शुद्धता की गारंटी
गलती तो नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग खाते हैं, तो आप खाना चाहे तो खा लीजिएगा। सरसों तेल व्रत में कदापि यूज नहीं होता है। और दूसरी चीज की सबसे शुद्ध होता है गाय का घी, तो ये सब अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो रिफाइंड ऑयल का यूज करिए। और बल्कि रिफाइंड ऑयल तो शुद्ध नहीं होता है, कहीं से आपको मूंगफली का तेल मिल जाता है तो वो ज्यादा सही होता है। मूंगफली तेल का प्रयोग आप व्रत में कर सकते हैं। तो ये खाने पीने का नियम है दोस्तों। और फिर एक बार कहना चाहूंगी, आपको बातें पसंद आ रही हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल के साथ भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।